और उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। तब जगह ला रहा ना। हाँ, सुजीत पातर। एक ऐसे सांसद जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, अपने प्रयास से सेमीफाइनल का पहला मैच जाने कितने स्कीम आपके जमशेदपुर और आसपास के सुदूर इलाकों के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से जब ग्रीनेजर से पकड़ा होते क्या बोले। जब मैं नाम बोलता जा रहा है तो सेफ्टी का मुद्दा होना है। वही होगा साहब, वो रिस्क भी है। सदस्यों लेकिन अपन ने टारगेट से बाहर जाता था। मनबुल के लिए अपील कर रहे थे खेड़ी, अब तो नहीं बता चुका। जब तक मुश्किल ही हुई थी खेड़ को अपने बोल से मेंटेन करना पड़ता है। के लिए वो आपसे के खेड़ी आप रेडी वस्तु रहेगी। अगर आप लोग मैच को देख रहे हैं मेरे विचार से ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आपको देखने के लिए दर्शक का सुबह से इंतजार में है। आपको आपका तैयारी करना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है। 2023 के इस मुख्य मंच में इस ऐतिहासिक फुटबॉल खिलाड़ी जिला परिषद सदस्य बड़ी दीदी कुसुम पुतो जी को हमारे इस मंच को सुबह बढ़ाने के लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए आप क्षमा चाहेंगे स्टेज पर बैठे। नहीं नहीं नहीं, 10 का 12 नहीं देना, 10 हम लोग खा जाएंगे सीधा सीधा। ये थोड़ी सी इस सेमीफाइनल मुकाबले को और भी जोश और हर्षोल्लास के साथ में धन्यवाद देश के सर लोग। तो सेकंड का मुकाबला मैदान के पूर्व छप्पन आलोक स्पोर्टिंग के खेड़ को अपन देख पा रहे हैं, जिनमें बंगाल शीट के वेस्ट बंगाल शीट के सभी नामचीन खेड़ का समावेश है। और पश्चिमी चौक पर मंच के सामने सोरपुर वेसरा वॉरियर्स, जिनमें जमशेदपुर के साथ साथ दोनों के खिलाड़ी आलोक स्पोर्टिंग के निर्माण और पश्चिम प्रांत वेसरा वॉरियर्स फुटबॉल टीम पाठगुरु औसत का समस्त खिलाड़ी बंधु दर्शक मंडल श्रीयुक्त अतिथि मानको समस्त मंडल कमिटी तरफ स्वागत जनाऊँगी। वर्तमान छात्र पोडियर पूर्व पोडियर आलोक स्पोर्टिंग और पश्चिम पोडियर एक अच्छा मौका बेसरा वॉरियर्स आलोक स्पोर्टिंग के लिए, लेकिन बेहतर बचा है। अंदर घुस रहे थे हम लोग भी घुसेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है सिर्फ हमारे कमेटी के मेम्बर जो मैदान के किनारे किनारे दर्शकों को प्यार से समझा रहे, वही आना जाना करके बाद में दर्शक थोड़ा सा कपड़ा से पीछे में रहेंगे। अब तक एक अच्छा मौका पैदा हो चुकी है बेसरा वॉरियर्स का, वहीं पर बात भी जाए आलोक स्पोर्टिंग का दो अब तक अवसर भी बेकार हो चुके हैं। मैं हमारे अतिथि महोदय की जानकारी बता दूं, सर इस साल एक शिरकत कर रहे हैं, फिलहाल मैदान में मौजूद है बेसरा वॉरियर्स टीम के लिए दर्शन मौ पर जीत भी जो अब तक हमारे टूर्नामेंट में पूरी तरह छाया है। कथकटी इनका कम है और जर्सी नीचे कर रहे जिसके चलते एप्रोन बेसरा वॉरियर्स की टीम को दिया गया। नाटिकट के थरन पंक्ति के खिलाड़ी, हट्टी-कट्टी खिलाड़ी, विदेशी मूल के खिलाड़ी हमारे शिक्षा मंडल में पूरी तरह चार चौक लगा चुके हैं। चले से भी चबर ग्रह ढंग से रोकने का प्रयास, एक दुखी मिलता हुआ खेड़ को और यहाँ पर पिला कर देखा था मरबा चबर ने साबित कर दिए कि कानून का जो हाथ है नहीं होते, जो मैच से डायरेक्ट रेड कार्ड भी दिखा सकते हैं। कुछ कुछ जगह में हम लोग मारपीट का नमक को भी देख लेते हैं कि आपने डायरेक्ट रेड कार्ड क्यों दिखाए, पिला कर नहीं दिखाए थे। तो कुछ ऐसे भी निर्णय होते हैं, कुछ ऐसे भी डिसीजन होता है,
खिलाड़ी गोल कीपर का जो व्यक्ति होता है डायरेक्ट रेड कार्ड टीम के खिलाड़ी गोल कीपर टीम के कोच को भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैच में भगवान सोरेन समझाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी बोल आज के स्कोर लेकिन उधर से सामना बचाव को बदल दिया है। तो दोनों ही टीमों में सार फिर दबार मारे इसमें से दोनों टीम को जीत मिली गई लेकिन हारना सामना तथा पड़ेगा। काम कर चले जीत गए मंच पर इनका नाम आदिवासी भोज क्लब और शहर महाकाल स्वागत करते हैं। मानकर नाम विरोध जी के हार्दिक अभिनंदन आपका। गाँव में हमारी महिला जो कमेटी है वो आ रही है और सूर्य वास्के जी उनको हमारे पारंपरिक तो हमारे मंच के सामने में जो टीम है ये बेसरा वॉरियर्स की टीम है और दुर्बल छोर पूर्वी छोर में जिस टीम को मतलब देख रही है आलोक स्पोर्टिंग 400 जे टीम अप्रोशन बेसरा वॉरियर्स जमसेदपुर टीम और मठर पूर्व प्रांत आलोक स्पोर्टिंग वेस्ट बंगाल खेला फलाफल एक गोली एगिए खिलाड़ी बन चुके हैं। विदिकल ग्रुप एमएस है ग्रुप एमएस है ठाकुर बेसरा का दुगलना मुखसरा परेश के विदेश मूल के खिलाड़ी जिम में कंट्रोल गोल 3 हो चुके हैं। प्रत्येक राउंड में इनका जमीन गोल देखने को मिला है और हाई स्कोरर के लिए जमकमा तो साइकिल है। तीसरा बोलने के लिए दूसरा तीसरे बोल के लिए तैयारी उसमें रहेंगे टीम है ना भाई लगना तीसरा तीसरे का उतने अच्छे प्लेयर हैं बाबलू नंबर का सरकार दिए साधुगढ़ के लिए दर्शक के दर्शक नजर आ रहे हैं रंग बिरंगे नई पुराने पोशाक पहन कर दर्शक हमारे इस खेल का आनंद लेते हुए मौसम की अगर बात करें आसमान में बादल छाए हुआ हल्की हल्की मंद मंद मुस्कुराता हुआ हवाओं का झोंका भी है। फुटबॉल के लिए अनुकूल मौसम अनुकूल मौसम अनुकूल वातावरण है। आप तीनों के संयुक्त रूप से आज के इस मुख्य अतिथि
जमशेदपुर के सबसे रूप से रखते हैं उनकी कुछ हमारे ये दोनों दर्शाती है इस साल की ट्रॉफी के सभी फुटबॉल प्रतियोगिता में से मैं हमारे और मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मशहूर कमेंटेटर श्री होकरा प्रभु जी को आप फाइनल मैच के लिए गोवा सिटी के खिलाड़ी आप पूरी तरह रेडी होकर हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे इस मैच में जो भी टीम जीतेंगे आप मैदान के अंदर ही रहेंगे टेक्निकल जोन में आप चले जाएंगे टेक्निकल जोन में आपको रेस्ट करने के लिए कुछ समय देंगे उसके उपरांत सोच कमाल का गोल और इस मैच में जहां तक बात की जाए टीम ने का एक गोल और एक बेहतर जिन्हें दूसरा मौका लेने में कामयाब हो चुकी है और भाग चुके थे पानी डिसाइड कर चुके थे मैं नियर पोस्ट में गोल को किक लगाऊंगा और गोल दागूंगा पहले इरादा बना चुके थे और इरादों को नहीं बदले और गोल दागे इसलिए कहा जाता है कि कामयाब लोग तब तक दो गोल से आगे हैं यहाँ पर बेसरा वॉरियर्स की टीम जिन विदेश मूल के अच्छे असिस्ट सेकेंड गोल में देखने को मिला है चल 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 आराम से आराम से आराम से फिर इधर नहीं बात अब जीत गया बात बात मिला रे एक नंबर अच्छा था देखे गोल के बाद थोड़ा सा आगे निकल चुका है जा रही है गोलंदर को कम किया जाए गोलंदर को कम किया जाए इस कोशिश में लगे हैं काफी सारे सैनिक हमारे माता बहने भी हमारे प्रोग्राम कानों में लेने के लिए पहुंच चुके हैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा सभी हमारे माता बहनों को जो अपने आपको बहुमूल्य समय देते हैं वक्त जो हमारे सेक्रेटरी के लिए दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कोई दिक्कत नहीं है जी मैं भाई आराम से बोलते हो जनाब आएगा खेल मास्टर बजा धीरे धीरे आलोक स्पोर्टिंग का खिलाड़ी भूल पागल जाते हैं गोल अंतर को अगर कम कर देंगे तो खेल वाले बच जाएंगे हमारे इससे मैदान में कोशिश अभी भी जारी है दो गोल ये छत्ता था मैं बेसरा वॉरियर्स सुंदर भावे सचिन सौरभ तेंदुलकर हमारे टीम आज चलिए फिर से निशाना गलत रहा या पर जीत जिन्हें पर मौका हो सकती है आलू सोने के लिए मौका बार बार बनाने के लिए मौका को गल में तब्दील नहीं कर पा रही है इनके लिए दिक्कत हो रहा है समय बचा कर रखना चाहेंगे ये तो प्रयास अभी भी जारी है पर लोग उस वाली टीम का किस तरह गोल अंतर को कम कर कम लोग मैच में आज नंबर आप तो भी जाना बाबा ताबड़तोड़ प्लेयर को
अच्छा ठीक है ठीक है, छोड़ दे बाहर हुई है। बहुत ही नाबाद हुई है, अभी भी मौका है पर बुलंदर को कम करने के लिए अलग स्पोर्टिंग के पास। हांसी हिल के जरिए के मुकाबले दो गोल से पीछे के बावजूद बेसरा वॉरियर्स के खिलाड़ी साफ सुथरे खेल को खेल रहे हैं, साफ सुथरे खेल को दर्शाता हुआ बेसरा वॉरियर्स के खिलाड़ी साबित करना चाह रहे हैं कि शेर भले भूखे मर जाएंगे मगर घास नहीं खाएंगे। जो खेल है कभी कभी दो गोल तीन गोल चार गोल पांच गोल भी खेल में हो जाते हैं, सात आठ गोल भी हो जाते हैं, लेकिन